तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस के ऊपर, और आज का हमारा सिलेबस रहेगा हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, रांची यूनिवर्सिटी हिस्ट्री के सिलेबस को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का सिलेबस, हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, और ये जो है आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है। मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, आपका ये 4 साल का ग्रेजुएशन है। इसमें 22 से 26 सेशन वाले, 23 से 27 सेशन वाले और 24 से 28 सेशन वाले और आने वाले जितने भी हैं सभी सेशन का काम देगा, जब तक कि रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस बदल नहीं जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये रांची यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपका इसमें भी काम देगा, एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और डीएसपीएमयू। ठीक है, साथ ही इसमें आपको काम देगा रांची के जितने भी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि मारवाड़ी कॉलेज हो गया, रांची वुमेन्स कॉलेज हो गया। ठीक है, और भी जितने हैं एफिलेटेड जो रांची यूनिवर्सिटी से हैं, उन सभी के काम में देगा। तो चलिए देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस हमारा क्या है, क्या क्या पढ़ना है। और मैं केवल सेमेस्टर वन का नहीं बल्कि पूरा कंप्लीट बीए यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3 से लेकर के पूरा सेमेस्टर 8 तक का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, शांति से इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, दुर्गा पूजा खत्म हो गया, पढ़ाई वगैरह कर ले। रात को ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे तो दिमाग भी थोड़ा पेन कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ करना चाहिए लाइफ में। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा सेमेस्टर 1। ठीक है, सेमेस्टर 1 इसमें आपके जो है मेजर पेपर एगो है। ठीक है, इसका नाम है आपका आइडिया ऑफ भारतवर्ष। ठीक है, और दूसरा है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि सेक का एक पेपर है, सेक पेपर, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री कल्चर। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर, यानी कि इसको हम लोग साउथ में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका यहाँ पे सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में आपको मेजर पेपर पढ़ना है, यानी कि ऑनर्स पेपर में बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है अर्ली इंडियन। ठीक है, यानी कि अर्ली इंडिया मतलब जब शुरू हुआ था हमारा भारत का इतिहास से लेकर के 550 तक का इतिहास। ठीक है, फिर है आपका पेपर 2 सेमेस्टर में, मेजर पेपर 3, और ये आपका वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि विश्व में सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ था वो जानना है। अर्लीस्ट टाइम यानी कि जब समय की शुरुआत हुई थी उससे लेकर के मध्यकालीन का इतिहास। ठीक है, विश्व लेवल पे। और तीसरा पेपर है सेमेस्टर 2 में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सेक का पेपर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एक मिनट यार, पॉपुलर कल्चर यानी कि जितने भी प्रसिद्ध संस्कृति है उन सभी को समझना। ठीक है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी 6 पेपर है, सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर है, तो बोलिएगा। और चार को पेपर का हम लोग अलग से सिलेबस देखेंगे, इसमें यहाँ पे इतना ही सिलेबस है। ठीक है, जो भी सिलेबस बचेंगे उसको हम लोग अलग से देखेंगे, और सबका सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, इसी चैनल पे। अगला है हमारा सेमेस्टर 3, यहाँ पे है मेजर पेपर 4। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है मेडिवल इंडिया, अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम 550। तो इसमें आपको पढ़ना है भारत का इतिहास 550 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का, क्योंकि सेमेस्टर 1 में पढ़े थे आप लोग 550 तक, अब पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, सॉरी सेमेस्टर 2 में पढ़े थे 550 तक, सेमेस्टर 3 में पढ़ना है आपको मेजर पेपर 4 में 550 से लेकर के 1200 तक। ठीक है, फिर आपको मेजर पेपर 5 में पढ़ना है मेडिवल सोसाइटीज ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है विश्व का वो जानना है। और तीसरा सेक पेपर है, इसमें आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3 में एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है सेक पेपर, चाहे आप आर्ट्स करें, कॉमर्स करें, चाहे आप साइंस करें। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में देखिए, तो सेमेस्टर 4 में मेजर पेपर 6। ठीक है, हिस्ट्री मेजर पेपर 6 का पेपर है, और इसमें आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री 1200 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सेमेस्टर 3 में पढ़ लिए थे 1200 तक, और सेमेस्टर 4 में पढ़िएगा 1200 से 1526 तक का इतिहास। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत पूरा इसमें आपको पढ़ना है। और फिर देखते हैं, तो फिर आपका मेजर पेपर 7, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड का इतिहास। ठीक है, 1857 की क्रांति, और आपको मालूम है ना पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपका 4000 मार्क्स का है। ठीक है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपका टोटल 4000 मार्क्स का है। ठीक है,
फिर देखते हैं मेजर कोर्स आइट यानी कि मेजर पेपर आइट। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का इतिहास जानना है, और जिसमें भी आपको स्पेशल टाइम यानी कि 1789 से लेकर के 1919 तक का इतिहास जानिएगा। इसमें आप फ्रांस की क्रांति जितना है उन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा यहाँ पे, तो फिर है आपका यूनिट राइज ऑफ न्यू नेशनलिज्म इन यूरोप, इसी में ठीक है यूनिट दे दिया गया है, इसको हमको लोग डिटेल में देख लेंगे बाद में। फिर आता है हमारा सेमेस्टर फाइव। सेमेस्टर फाइव में आपको तीन गो मेजर पेपर ही केवल है आपका, ठीक है। सेक पेपर यहाँ से हट जाता है सेमेस्टर फाइव जो है, एक मिनट, सेक पेपर आपका सेमेस्टर फोर में भी नहीं था, यहाँ पर भी तीन गो मेजर पेपर है। सेमेस्टर फोर में भी मेजर पेपर 6, 7 और मेजर पेपर 8, और सेमेस्टर फाइव में भी आपका मेजर पेपर 9, 10 और 11, ठीक है। सेमेस्टर फाइव में मेजर पेपर 9 में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का इतिहास 1526 से लेकर के 1707 तक, ठीक है। यानी कि वही जब पलासी का युद्ध वगैरह शुरू होने के आसपास था, ठीक है, मुगल काल वगैरह पूरा आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपका मेजर कोर्स 10, मेजर पेपर 10 में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, और इसमें पढ़ना है 1757 से लेकर के 2000 तक का इतिहास, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है संथाल विद्रोह वगैरह उसी में पढ़ लीजिएगा, और इसमें आपको पढ़ना है बिरसा मुंडा का क्रांति से लेकर झारखंड के स्वतंत्रता मतलब झारखंड बिहार से अलग का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर आपका मेजर पेपर 11, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं सिलेबस को डिटेल में, काफी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, और कितने मार्क्स का रहेगा ये भी देखेंगे। तो देखिए आपका जितना भी पेपर है सभी यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे जिनका दिया गया है या तो 75 मार्क्स का है या फिर 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये रहा आप सेमेस्टर 1 में टोटल 6 सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2 में टोटल आपके 6 सब्जेक्ट, ठीक है, सेमेस्टर 3 में रहेंगे आपके 6 सब्जेक्ट, सेमेस्टर 4 में भी रहेंगे आपके टोटल 6 सब्जेक्ट, यानी कि सेमेस्टर 4 तक 24 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। सेमेस्टर 5 में आपको 5 सब्जेक्ट रहेगा, सेमेस्टर 6 में भी 5 सब्जेक्ट रहेगा, सेमेस्टर 7 में भी आपके 5 और सेमेस्टर 8 में भी 5, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपके टोटल 44 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, टोटल 44 सब्जेक्ट रहेगा पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, ठीक। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा पेपर कितने मार्क्स का रहेगा वो भी हम लोग जानेंगे, तो इसको ऊपर उठाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मेजर पेपर जितना भी आपका जितना भी मेजर पेपर है सब आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 25 मार्क्स आपका रहेगा इंटरनल एग्जाम और 75 मार्क्स का रहेगा एक्सटर्नल एग्जाम, सबको मालूम है, ठीक है। मेजर पेपर जितना भी है या फिर एडवांस मेजर पेपर, एएमजे शॉर्ट में बोलते हैं, एएमजे एडवांस मेजर पेपर, ये भी आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। और ये एडवांस मेजर पेपर आपको केवल सेमेस्टर 8 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सेक पेपर की बात करें तो सेक पेपर आपका जो है 75 मार्क्स का है, ठीक है, सेमेस्टर 1, 2 और 3 में। और वहीं हम लोग बात करते हैं माइनर पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का है, माइनर पेपर 100 मार्क्स का है, मेजर पेपर 100 मार्क्स का है, केवल सेक पेपर आपका 75 मार्क्स का है, ठीक है। और ये जो माइनर पेपर है सेम मेजर पेपर की तरह यानी कि 25 मार्क्स इंटरनल और 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से सेट रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपका जो क्वेश्चन रहेगा जैसे 75 मार्क्स का सेक पेपर रहे, ठीक है, तो सेमेस्टर 3 में जो सेक पेपर आएगा केवल वो ऑब्जेक्टिव आएगा, बाकी सेमेस्टर 1 और 2 वाला जो आएगा वो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। सेक पेपर केवल सेमेस्टर 3 का ऑब्जेक्टिव आएगा, बाकी सब आपका सब्जेक्टिव आएगा जितना पेपर सब, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ग्रुप ए इज कंपल्सरी, जितना भी 75 मार्क्स का रहेगा उसमें आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और बाकी सब भी आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। और 100 मार्क्स का जितना क्वेश्चन रहेगा मेजर या फिर एडवांस मेजर या फिर माइनर पेपर, इसमें आपका पेपर 2 भाग में रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका रहेगा 20 मार्क्स का, जिसमें आपके 100 मार्क वाले मतलब 1 नंबर या 10 को रहेगा, 5 नंबर या 2 को रहेगा, 1 नंबर या 10, 5 नंबर या 2, तो कितना हो गया 20, ये हो जाएगा ग्रुप ए, और बाकी सभी ग्रुप बी में 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख के समझिए इसको कहाँ गया, ये आपका 75 मार्क्स वाला 5 नंबरिया रहेगा, सॉरी 1 नंबरिया 5 को, ठीक है, और 5 नंबरिया 2 को, ये हो जाएगा ग्रुप ए जो कि आपका 15 मार्क्स का, और ग्रुप बी रहेगा ये रहेगा 60 मार्क्स का,
जिसमें से 15 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी सॉरी 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 3 को बनाना होगा आपको, ठीक है। और ये है 100 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सेट, इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, और 5 मार्क्स वाले 2, यानी कि ग्रुप ए जो रहेगा ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 10 को एक नंबर या 5 को दो नंबर या, और ग्रुप बी जो रहेगा ये आपका रहेगा 20 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें से किसी 3 को बनाना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन का सेट देख लिए, अब चलिए देखते हैं डिटेल सिलेबस। तो देखिए सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है इसमें आपको पढ़ना है आइडिया ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष का इतिहास, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, तो देखिए ये जो आपका इंटरनल एग्जाम है 25 मार्क्स का, इसमें आपको लाना है 10 नंबर। इंटरनल एग्जाम जो होता है 25 मार्क्स का, इसमें आपको कितना नंबर लाना है 10, और जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है 75 मार्क्स का, इसमें आपको लाना है 30 नंबर, ठीक है। कुल मिला के 10 नंबर इंटरनल, देखिए यहाँ पे लिखा है SIE यानी कि इंटरनल, और EXE यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें 10 इंटरनल में और एक्सटर्नल में 30, कुल मिला के आपको 40 नंबर लाना है 100 में, ठीक है। 25 में 10 और 75 में 30 यानी कि 40, 100 में अगर आप 40 मार्क्स लाइएगा तो पास हो जाइएगा सभी पेपर, जितना भी 100 मार्क्स वाला है, और जितना 75 मार्क्स वाला है सेक पेपर उसमें केवल 30 नंबर ही पासिंग है, ठीक है। अब देखते हैं तो इसमें क्या पढ़ना है, पढ़ना है हमारा यूनिट 1, यूनिट 1 में पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष का इतिहास, ठीक है। फिर इसमें यूनिट 2 में पढ़ना है आपको इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन आर्ट कल्चर, ठीक है, यानी कि भारत कौन फड़का फोड़ रहा है यार अभी, तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है, भारत का ज्ञान पद्धति इन सब के बारे में जानना है, और परंपराओं के बारे में, आर्ट एंड कल्चर यानी कि जो कला और हमारा साहित्य है संस्कृति है उन सब के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं तो जब आपका एग्जाम होगा ना जैसे सेमेस्टर 1 का 2 का 3 का 4 का, तो सब मैं एक एक करके फिर डिटेल सिलेबस भी दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। फिलहाल अभी आप लोग देख लीजिए एक सरसरी निगाह से कि आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, ताकि अगर आपको लगता है कि जरूरत कि नहीं मुझे अभी से टाइम मिल रहा है और मैं पढ़ूंगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं इसका PDF भी दे दूंगा। तो देखिए है हमारा यूनिट 3, इसमें आपको पढ़ना है धर्म फिलोसफी और क्या है आपका वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारा, ठीक है, यानी कि संपूर्ण विश्व मेरा संसार, संपूर्ण संसार मेरा घर है, ठीक है, परिवार है, ये जानना है आपको इसमें। फिर हमारा यहाँ पे साइंस एनवायरमेंट मेडिकल साइंस ये आपको पढ़ना है, ठीक है, सेमेस्टर 1 भारतवर्ष में विज्ञान पर्यावरण, ठीक है, मेडिकल साइंस यानी कि औषधि विज्ञान। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, और परंपरा क्या है, आर्थिक परंपरा क्या थी, ठीक है, अभी हमारा कैसा है, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। और देखिए नीचे में आपको देखने को मिलेगा सजेस्टेड रीडिंग, यानी कि ये जो है आपको ये सारे बुक्स दिए गए हैं, आप इनमें से किसी बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है मैक्सिमम क्या करते हैं गैस पेपर खरीदते हैं। हाँ कौन सा गैस, अरे प्रोफेसर गैस, चलो भाई काम हो गया नहीं तो जहां से पढ़ना है पढ़िए, ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं, बाकी गैस पेपर और इंटरनेट का सहारा काफी है, ठीक है। अब देखते हैं तो फिर आता है हमारा यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 1 में दूसरा पेपर है जिसको सेक पेपर 1 के नाम से जानते हैं, 75 मार्क्स का एग्जाम हो चुका, 30 नंबर पासिंग है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, फिर पढ़ना है एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, बस ये दो ही यूनिट पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट। आगे देखते हैं सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 2 में जो सिलेबस है ये रहा आपका सिलेबस, और इसमें आपको पढ़ना है मेजर पेपर 2 में इतिहास के शुरुआत से 550 तक का इतिहास, ठीक है। इसमें आपके टोटल जो यूनिट पढ़ने हैं वो यूनिट पढ़ने हैं टोटल आपके 5। पहला यूनिट है आपका सोर्स यानी कि क्या क्या साक्ष्य है इतिहास को जानने का, हिस्टोग्राफी एंड द प्रीहिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। फिर आपको आर्य सभ्यता के बारे में जानना है, आर्य कहाँ से आए, ठीक है। फिर आपको जानना है इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी बाय मौर्य, तो मौर्य एज के बारे में जानना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है, जैन धर्म बौद्ध धर्म इन सब के बारे में जानना है, ठीक है। पोस्ट मौर्य यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत होने लगा उसके बारे में जानना है। फिर आपका यहाँ पे इम्पीरियर गुप्त यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जानना है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, गुप्त कौन थे,
सबसे महान राजा कौन था? समुद्रगुप्त, नाम सुने होंगे, बिना बजाते हुए देखे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फिर आता है हमारा यहाँ पे सेमेस्टर वन का दूसरा, सॉरी सेमेस्टर टू का दूसरा पेपर, मेजर पेपर थ्री, ठीक है, एमजे पेपर थ्री, और इसमें आपको पढ़ना है वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है, जो शुरुआत का इतिहास से लेकर के मध्यकालीन इतिहास तक, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड, ठीक है, और इसमें आपको सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने सुनी होगा, मिस्र की सभ्यता है यानी कि इजिप्ट, ठीक है, मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं, और वहाँ पे जो पिरामिड बनता है उसको ममी बोला जाता है। फिर आपको चीन की सभ्यता पढ़ना है, पर्शियन सभ्यता पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे क्लासिकल ग्रीन्स के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फिर आपको पढ़ना है रोमन साम्राज्य के बारे में, ठीक है, पोप के बारे में, इन सबको आपको जानना है, ठीक है, मेजर पेपर थ्री में। आगे देखते हैं, तो फिर आता है हमारा सेमेस्टर टू में सेक पेपर टू, सेमेस्टर टू का तीसरा पेपर, जिसको हम लोग सेक पेपर टू के नाम से जानते हैं। इसका नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, पहले इसको दूसरा कुछ नाम था, क्या नाम था, हेल्थ वेलनेस एजुकेशन और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का नाम था, अब ये पेपर आपका चेंज हो गया है, अब क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको यहाँ पे टोटल 6 यूनिट। पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय, ठीक है, डेफिनेशन जानना है, परिभाषा जानना है, कल्चर किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे विजुअल एक्सप्रेशन के बारे में, फिर परफॉर्मेंस जानना है, देन आपको जानना है द ऑडियो विजुअल सिनेमा एंड टेलीविजन, ठीक है, कैसे इसका विकास हुआ। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है फेयर फेस्टिवल एंड जितना भी इनके रिटुअल्स हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है पॉपुलर कल्चर इन ग्लोबलाइज, यानी कि पूरे विश्व में कौन कौन से प्रसिद्ध कल्चर है, सभ्यता है, जिसमें आपको भारत के भी सभ्यता पढ़नी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो अब आता है हमारा सेमेस्टर थ्री के सब्जेक्ट्स, जिसमें से पहला सब्जेक्ट के सेमेस्टर थ्री का मेजर पेपर फोर, ठीक है, मेजर पेपर फोर, इसमें आपको भारत के इतिहास 550 से 1200 तक का इतिहास पढ़ना है, जिसमें पहला है आपका यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3, कितने यूनिट है, 5 यूनिट है, तो जनरली आपको 5 यूनिट या फिर 4 यूनिट या फिर 6 यूनिट देखने को मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी में कम या फिर किसी में थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसमें आपको पढ़ना है यहाँ पे इमरजेंसी ऑफ न्यू पावर एंड एज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कैसे हुआ। फिर आपको पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन एंड एमरजेंस ऑफ रिलीजन पावर, ठीक है, इसमें बहुत सारे वंश के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, और बहुत सारा वंश, चालुक्य हो गया, पल्लव वंश हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हमारा रिलीजियस पावर ऑफ साउथ दक्कन, तो दक्कन का नाम सुने हैं, तो भारत का जो दक्षिणी भाग है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, पांडे वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है यूनिट फोर में डेकलाइन राजपूत, यानी कि राजपूत का किस प्रकार पतन हो गया था, ठीक है, इसके बारे में जानना है। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे कल्चर ऑफ प्री मेडिवल इंडिया, यानी कि जो हमारा पूर्व मध्य भारत इतिहास है इसके बारे में जानना है, जिसमें आपको भक्ति आंदोलन वगैरह पढ़ना है, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, इन सब के बारे में जानिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, तो अगला पेपर है हमारा मेजर पेपर फाइव, तो मेजर पेपर फाइव में पढ़ना है दोस्तों आपको ये वाला मेडिवल सोसाइटीज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, और इसमें आपको जो मध्यकाल का इतिहास है विश्व में, इसमें जानना है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी का उदय कैसे हुआ, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के बारे में जानिएगा, ठीक है, मक्का मदीना इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, अर्ली मेडिवल यूरोप के बारे में जानना हो, ठीक है। देन आपको जानना है यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट सोसाइटी टू मेडिवल सोसाइटी इन यूरोप, देन आपको पढ़ना है यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज ऑफ यूरोप, ठीक है, और फिर आपको पढ़ना है यूनिट फाइव, इसमें पढ़ना है अर्बनाइजेशन एंड डिस्कवर, ठीक है, यानी कि किस प्रकार विकास हुआ शहरों का, इन सब के बारे में। और फिर आता है हमारा सेमेस्टर थ्री का सेक पेपर, इसमें आपको पढ़ना है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये एकमात्र पेपर है आपका जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है, ओनली वन, यही एक पेपर है, ठीक है, जो फॉर्म में आएगा ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे लिखा भी है कि हमारे पेपर में आएगा 75 को क्वेश्चन रहेगा इस पेपर में, 75 ऑब्जेक्टिव रहेगा,
और ये पेपर जो है ना ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अभी तक जो पूछा गया वही मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में हिंदी इंग्लिश दोनों में आए, वही अच्छा रहेगा ताकि सबको बेनिफिट मिल सके, या नहीं तो फिर दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, फादर कौन है कंप्यूटर के, चार्ल्स बेबेज वगैरह सब पढ़ना। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे हार्डवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। फिर आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। फिर आपको पढ़ना है इंटरनेट एंड इट्स इशू के बारे में। फिर आप पढ़ना है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एंड लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है उसके बारे में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन के बारे में, डिजिटल एजुकेशन क्या है, कैसे होता है और कब से शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में। अब शुरू होता है आपका सेमेस्टर फोर, ठीक है। सेमेस्टर फोर जो है, एक मिनट, चल रहा है रिकॉर्डिंग या ऑफ है, चल रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो कैसे शूट कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो हमारा है यहाँ पे मेजर पेपर फोर। मेजर पेपर फोर में आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना है इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास, ठीक है, कब से 1200 से लेकर के 1526 तक का, ठीक है। और इसमें आपको बहुत मजा आएगा, क्या मजा आएगा, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे सल्तनत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, खिलजी, सिकंदर लोदी, यही सब के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे इकोनॉमिक ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड की, उनके सल्तनत काल में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, जितना भी आपका फिरोज शाह तुगलक, इन सब के बारे में पढ़ना है। सॉरी, फिरोज शाह तुगलक तो उसमें आएगा, इल्तुतमिश वगैरह आएंगे इसमें, ठीक है। देन आपका आता है यहाँ पे रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर, तो इसमें आपको पढ़ना है धर्म, ठीक है, समाज और संस्कृति कैसा था सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और अगला हमारा पेपर है यहाँ पे सेमेस्टर फोर में मेजर पेपर सेवन। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का इतिहास पहली बार। इसमें आपको पूरा एकदम सिद्धू कानू मुर्मू, संथाल विद्रोह वगैरह पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, पहला है यूनिट वन, इसमें आपको पढ़ना है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ यार, ठीक है, थोड़ा सा बस वेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का भौतिक आर्किटेक्चर जानना है, ठीक है, कि झारखंड हमारा जो है कैसा है, ठीक है, भूमि कैसी है, जलवायु कैसा है, यहाँ पे कितने मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज, जब भी खनिज का बात होता है तो हम लोग के दिमाग में आता है कोयला, अरे बेटा, ठीक है, झारखंड के दिमाग में क्या आता है, कोयला। और जब दूसरा आदमी झारखंड के बारे में सोचता है ना, तो सोचता है कोयला, झारखंड, कोयला, खनिज, आदिवासी, बस यही दिमाग में आता है, ध्वनि, ठीक है, बस। और बाहरी आदमी को पूछेगा झारखंड के सोच के आपको क्या ख्याल में आता है, तो उन लोग बोलेगा यही खनिज आता है ख्याल में, आदिवासी आता है, मुरझाए हुए लोग आते हैं याद, ठीक है, और गंदी पॉलिटिक्स है यहाँ पे, और क्या बोलेंगे, हाँ, धोनी एक फेमस है यहाँ पे, बस यही सब, और झारखंड में दूसरा कुछ याद नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा, झारखंड को काफी पिछड़ा हुआ है हमारा राज्य। तो हमारा है यूनिट टू, इसमें आपको पीपुल के बारे में जानना है, यहाँ पे मुंडा व्यवस्था हो गया, ट्राइबल सिस्टम यानी कि आदिवासी व्यवस्था हो गया, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे अर्ली डायनेस्टी ऑफ झारखंड, जिसमें आपको नाग वंश के बारे में पढ़ना है, चेरो वंश, सिंह वंश, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ना है, यानी कि जब अंग्रेज आया यहाँ पे, ठीक है, 1757 के आसपास घुसा अंग्रेज हमारे यहाँ पे, 1767 में घुसा था, ठीक है, तो एंट्री किया सिंहभूम की ओर से, ठीक है, ढाल विद्रोह हुआ, उन सब के बारे में जानना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपको जानना है यहाँ पे ट्राइबल रेजिस्टेंस के बारे में, जिसमें आपको यहाँ पे दिया है द लकरा, द भूमिज रिवोल्ट, ठीक है, संथाल हुल, संथाल विद्रोह, ठीक है, भूमिज विद्रोह, रानी सर्वेश्वरी, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको, पढ़िएगा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा, तो अगला पेपर है हिस्ट्री ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का इतिहास। इसमें आपको क्या पढ़ना है यूरोप के इतिहास में, तो 1789 से लेकर के 1919 तक टोटल जो यूनिट है इसमें आपके चार को यूनिट पढ़ना है। पहला है राइज ऑफ न्यू नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, इसमें फ्रांस की क्रांति जो क्लास 9 में पढ़े थे आप लोग, वो फिर से पढ़ना है, ठीक है। राइज ऑफ न्यू नेशन
नए राष्ट्रों का उदय जानना है, यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल, रसिया, इन सब के बारे में। जैसे ही रसिया का नाम आता है तो दिमाग फटाक से जाता है कहाँ पे, समझते हैं, चलिए कैच कर लिए ना। अगला है हमारा यूनिट 3, तो इसमें हमारा आता है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के बारे में जानना है आपको। अगला हमारा यूनिट 4, इसमें आपको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। ठीक है, और बहुत सारे उस टाइम पे फिर गुट बनने लगे हैं, ठीक है, नाम वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 5 में पढ़ना है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1526 से 1707 तक का। ठीक है, इसमें हमारा पहला यूनिट, पांचवा यूनिट है, पहला यूनिट है सॉस एंड हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि जो इतिहास ये जानते हैं कैसे जानेंगे, तो बस जो विदेशी यात्री लोग किताब वगैरह लिख के गया है उसी से पढ़ के हम लोग इतिहास को जानते हैं। ठीक, इस समय का इतिहास, और इसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट, मुगल रूलर क्या क्या बना था उस सब के बारे में जानना है। ठीक है, और बाबर के समय में मुगल साम्राज्य, हुमायूं, ठीक है, पूरा हायरार्की जान लीजिएगा। सबसे पहले बाबर आया, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा कौन, जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा पूरा लड़ मरा था, तीन चार था, औरंगजेब बचा था। ठीक है, और अंतिम मुगल बादशाह बचता है बहादुर शाह जफर 2। ठीक है, पढ़िएगा डिटेल में, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, कौन सा धर्म चलता था, मनसबदारी पर था, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे मेजर पेपर 10, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1757 से 2000 तक का इतिहास। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा पार्टी बना, तो इसमें आपको पढ़ना है, देखिए झारखंड आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ, सपाहोड आंदोलन, बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति झारखंड में किस तरह हुआ, होल विद्रोह किस तरह हुआ, संथाल विद्रोह किस तरह हुआ। ठीक है, और एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था कैसी है हमारे झारखंड की, चौपट है और क्या बोलेंगे। ठीक है, मतलब टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, होता भी है तो बहुत सारा चीटिंग हो जाता है, सीजीएल का एग्जाम दिए हैं बार बार रद्द हो जाता है। ठीक है, घूसखोरी चलता है और क्या बोलेंगे, हाँ ये सब लिख देना, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था अगर बोले कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर एक छोटा निबंध लिखें, तो ये सब खूब लिखना है, डरना नहीं है। ठीक है, जो वास्तविकता है उसे लिखना है भाई, किताबी भाषा लिखेंगे मानते हैं, लेकिन वास्तविकता को उससे ज्यादा लिखना है। ठीक है, झारखंड मूवमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का आंदोलन किस प्रकार हुआ, इसमें आपको जानना है झारखंड पार्टी, जेएमएम के बारे में, आजसू के बारे में, जेबीएम के बारे में। ठीक है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में आपको जानना है। ठीक है, अगला हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, तो सेमेस्टर 5 का हमारा अगला पेपर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक भारत, सॉरी आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, 1919 से 1947 तक, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें आपको जानना है फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि किस तरह से बना हमारा, क्या है अचीवमेंट, फेलियर, क्या क्या हमारा हासिल हुआ पर्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ICJ एंड ILO, यानी कि इंटरनेशनल चीफ क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है, कैसे बना, UNO के बारे में आपको पढ़ना है, नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो फिर आपको पढ़ना है राइज ऑफ रूल, ट्रस्ट, USA, ठीक है, अमेरिका की आज़ादी कैसे हुई, उन सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो अगला है हमारा, मैं केवल सरसरी निगाह से बता रहा हूँ। ठीक है, बस आपको ये सिलेबस आपको कैसे नोट करना है वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में जल्दी से, बस, और दो सेमेस्टर। तो अगला है आपका सेमेस्टर 6, इसमें आपको है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से 1757। ठीक है, जब भी हमारे दिमाग में आता है 1857 मंगल पांडे याद आता है। ठीक है, सैनिक विद्रोह याद आता है, 1857 की क्रांति। तो इसमें आपको पढ़ना है इंडिया इन द मिड 18th century। ठीक है, उस समय हमारी समाज की व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, और फिर आपको जानना है यहाँ पे बंगाल, अवध के बारे में। ठीक है, और मैसूर, टीपू सुल्तान के बारे में जानना है, पंजाब और सिंध के बारे में जानना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है कॉलोनी स्टेट एंड आइडियोलॉजीज के बारे में। ठीक है, आर्मी, पुलिस, लॉ, इन सब के बारे में जानना है। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे लैंड, जो हमारा नया नया उस समय कानून आ रहा था, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह। ठीक है, हड़प्पा नीति, इन सब के बारे में आपको जानना है। ठीक है, और
आपको इसी टाइम अंग्रेज घुस गया था, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया 1857 का विद्रोह नहीं दिया यार, वो भी पूछेगा 1857 की क्रांति, क्योंकि 1857 का है ना, तो वो भी पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पे अब पूरा पूछेगा, ठीक है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसमें सब पूछेगा, जिसमें 1857 की क्रांति पहले ही आपका, ठीक है, ब्रिटिश पुलिस, और फिर आपका यहाँ पे पूछेगा फ्रॉम क्या है स्वदेशी टू होम रूल, ठीक है, होम रूल के बारे में पूछेगा, कांग्रेस का गठन कैसे हुआ वो भी पूछा जाएगा, ठीक है, मास मूवमेंट कांग्रेस, ठीक है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपको राइज ऑफ पीजेंट वर्कर्स ट्राइबल्स एंड जितना भी लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पूछेगा, रॉलट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड सब आएगा इसी में, ठीक है, जितना भी आप पढ़े असहयोग आंदोलन सब इसी में है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सब इसी में आएगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो देन है हमारा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ चाइना, अब चाइना का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, चिंग चांग चुंग यही सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पे द इंटरेक्शन विद द वेस्टर्न पावर, यानी कि पश्चिमी जो शक्ति है उसके बारे में जानना है, ठीक है, ओपियम युद्ध के बारे में जानना है, ओपियम वॉर, ठीक है, ओपियम वॉर क्या था, फर्स्ट ओपियम वॉर, सेकेंड ओपियम वॉर, ठीक है, अफीम युद्ध बोलिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के बारे में जानना है, ठीक है, तो इसमें आपका बॉक्सर का हो गया, 100 डेज रिफॉर्म्स हो गए, 100 दिन का रिफॉर्म्स, न्यू पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट बना था, न्यू नए राजनीतिक संगठन, इन सब के बारे में जानना है, ठीक है। सनयात सेन के बारे में जानना है, जो कि क्लास 9 में पढ़े भी होंगे आप, सनयात सेन क्लास 9-10 में, ठीक है, मैंने भी पढ़ा था। फिर आपको जानना है द स्टेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1911 चाइना का, ठीक, और ये सभी आपको जानना है। यांग सिंह की के बारे में जानना है, ठीक है, फिर आपको जानना है, ये सब का नाम पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, सिविल वॉर, ठीक है, तो ये चीन का इतिहास आपको जानना है ऑल ओवर इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पेपर फोर, ठीक है, पेपर फोर सेमेस्टर सिक्स का, इसमें पढ़ना है आपको हिस्ट्री ऑफ जापान, चीन का इतिहास जानिए, जान का, जापान का मतलब जाना था चीन, पहुंच गए जापान, ठीक है, अब जापान पहुंच गए तो जापान का भी इतिहास जानिएगा 1850 से 1950 तक का, यानी कि 100 साल का इतिहास जापान का। अच्छा, हम लोग जापान का इतिहास पढ़ते हैं, चीन का इतिहास पढ़ते हैं, क्या उन लोग भी हम लोग का इतिहास पढ़ता है, जापान देश में या चीन देश में क्या भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है? डेफिनेटली पढ़ाया जाता है, ठीक है, और कुछ पढ़ाया जाए या ना जाए, उन लोग ये पढ़ाता है कि भारत में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, ठीक, वो कैसा था। मैं एक बार कहाँ पे पढ़ रहा था, कोई बुक था उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, जैसे हम लोग पाकिस्तान के इतिहास पढ़ते हैं, उन लोग भी हम लोग का इतिहास पढ़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगला है हमारा इसमें हिस्ट्री ऑफ जापान, जापान के इतिहास जानना है, इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न जापान, ठीक है, और जापान में जो परमाणु युद्ध हुआ था, मालूम है ना, अमेरिका ने 2 बम गिरा दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो भी आपको जानना है, ठीक है, जापानीज इंपीरियलिज्म फेज 1, और फिर आपका जापान बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आता है, द्वितीय विश्व युद्ध जापान से रिलेटेड, ठीक है, और यहाँ पे सीनो जापानीज वॉर के बारे में, जो कि 1937 में हुआ था, जापान विद एक्सिस पावर, और देखिए जापान जो है ना बहुत मेहनती राष्ट्र है, ठीक है, छोटा सा देश है, छोटा सा देश, लेकिन देखते हैं बहुत ज्यादा उसका ओलंपिक वगैरह में मेडल आता है, या फिर बात करें जीडीपी के बारे में, या फिर दूसरे देशों को लोन देने के बारे में, तो जापान हमेशा आगे रहता है, वहाँ के लोग कहे जाते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है, और औसत जीवन जो भी है जापान में सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे आदमी कुछ काम नहीं रहेगा तो चलो ताश खेलने बैठ जाएगा बाहर आदमी, ठीक है, देखे होंगे अगर आप गाँव घर से होंगे तो कुछ काम नहीं तो चलो ताश उठाओ और खेलने बैठ जाओ। चलिए हमारा है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, और इसमें आपको पढ़ना है इंडिया के इतिहास सेमेस्टर 7 में, मेजर पेपर 16 में, क्या पढ़ना है इसमें, तो 1947 से लेकर के 2000 तक का इतिहास, ठीक है। इसमें अब आपको जो नया जमाना का जितना भी हुआ है इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा भारत में, ठीक है, जैसे आपका प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर भी पर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो पहला है हमारा द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्नलियस एंड नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, कॉर्नलिस्म हुआ, मतलब ये वर्ड मुझे प्रोनाउंसिएशन सही रूप से नहीं हो रहा है, कॉलोनलिज्म, ठीक है,
तो इन सब का क्या इफेक्ट करा, क्या प्रभाव पड़ा भारत पे जब भारत आजाद हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे बटे हुए थे, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे राजवाड़े में बटे हुए थे, 565 रजवाड़ा, ठीक है। उन सभी रजवाड़ों को एक कैसे किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। संविधान कैसे बना, भीमराव अम्बेडकर का योगदान जानना है इसमें आपको, ठीक है। पाकिस्तान के साथ युद्ध, चाइना के साथ युद्ध, फिर भारत का साथ जो पाकिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो 1971 में युद्ध हुआ उसमें भारत का सहयोग, इन सब के बारे में जानना है। फिर आपको जानना है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, कैसी है। फिर आपको जानना है आपका क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग कमीशन के बारे में, योजना आयोग के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, ठीक है। भारत की विदेश नीति के बारे में जानना है, नेहरू के समय में क्या थी, ठीक है, उसके बाद क्या थी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अगला देखते हैं, तो फिर आता है हमारा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द USSR। अब ये क्या है जी, तो इसी को बोलते हैं रूस, पहले इसको बोलते थे सोवियत संघ और बाद में बना रूस, और इंग्लिश में बोलते हैं रसिया, रसिया से नाम आता है रशियन, ठीक है। कितना, 5000, चलिए छोड़िए सब बोल जाइए, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा, वैसा नहीं हूँ। चलिए तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ऑफ द USSR 1917 से लेकर के 1964 तक का इतिहास, ठीक है। USSR 1917 से 1964 तक का इतिहास इसमें आपको जानना है। किसको किसको जानना है, कौन कौन जाएगा USSR, उसकी राजधानी क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। अगर आपने देखा होगा द मनी हेस्ट जो वेब सीरीज है तो उसमें सब देश का नाम रहता है ना, ठीक है, हेलसिंकी कौन रहता है, मोटा मोटा ना, मोटका। तो यह इसमें हमें पढ़ना है द रशियन रिवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, किसका रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, रशियन, ठीक है, यानी कि फ्रांस की सॉरी रूस की क्रांति के बारे में पढ़ना है। और इसमें तीन ग्रुप में बट गया था, मालूम था आपको, अभिजात वर्ग, ठीक है, एक वर्ग था, फिर रूस की क्रांति, कार्ल मार्क्स वगैरह सब इसी में आएगा 1917, ठीक है। आगे देखते हैं तो सिविल वॉर जो हुआ था उसके बारे में जानना है, ठीक है, शीत युद्ध के बारे में जानना है, कोल्ड वॉर के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूस यानी कि रूस का जो गठन हुआ उसके बारे में, रूस ही हिंदी में अच्छा लगता है, इंग्लिश में नाम इसका बदल जाता है, ठीक है। फिर आपका न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी आया, नई आर्थिक नीति 1921 में रूस में, उसके बारे में जानना है, लेनिन के बारे में जानना है जो कि बहुत फेमस व्यक्ति है रूस के, ठीक है। फिर आपका है रशियन बिटवीन 1924 से लेकर के 1941 तक का रोल ऑफ स्टालिन, स्टालिन के बारे में जानना है, ठीक है। 5 ईयर जो प्लान आया था ना, पंचवर्षीय योजना, ये रूस ने ही चलाया था, फिर भारत ने इसको कॉपी किया। फिर आपका विदेश नीति के बारे में जानना है, ठीक है। देन देखते हैं तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानना है, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। अगला आपका यहाँ पे रशियन बिटवीन 1941 टू 1640, ठीक है, तो 1941 से 1964 तक का इतिहास जानना है। इसमें आपको कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बारे में, जो कि 1945 से शुरू होकर 1991 तक चला था, अमेरिका और रूस इस टाइम पे विश्व जो है दो गुटों में बट गया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो अगला है हमारा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ क्या है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में संचार व्यवस्था का इतिहास जानना, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें हमारा है यूनिट पहला कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि जो संचार की परिभाषा है इन सब के बारे में जानना है, संचार किसे कहते हैं, ठीक है, रेडियो वगैरह के बारे में जानना है, टेलीविजन के बारे में जानना है, ठीक है। तो इसमें हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार जानने, बहुत सारे प्रकार, ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब के बारे में जानना है, ठीक है। फोक डांस के बारे में जानना है, कहाँ के किसका डांस है, ठीक है, गरबा हो गया, छाव नृत्य हो गया, ठीक है, यक्षगान हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, इन सब के बारे में जानना है। फिर आपको यहाँ पे जानना है रिटन एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि लिखित और मौखिक, सॉरी लिखित और भाषा वाले जितने कम्युनिकेशन है उसके बारे में, ठीक है, न्यूज़पेपर आ जाएगा इसमें, आपका मेनू स्क्रिप्ट हो जाएगा, इन सब के बारे में। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ द आइडियाज कम्युनिकेशन इन इंडिया, तो इसमें आपको जानना है हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया, जैसे आपका है नाराद, कृष्णा, ठीक है, बुद्ध, शंकर, विवेकानंद, गांधी, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। और इसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, राम प्रसाद बिस्मिल है, क्या क्या है आपका, फिर बिहारी है, ठीक है, तो इन सब के बारे में जानना है। आगे देखते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे एक मिनट,
थोड़ा सा क्या है कि थक जाता हूँ ना बोलते बोलते, ठीक है, इसलिए रेस्ट कर लेता हूँ एक मिनट। तो अगला है हमारा म्यूजियम एंड आर्किटेक्चर। तो देखिए भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम कलकत्ता में है, ठीक है, संग्रहालय जिसको बोलते हैं। आपने गया घूमने? नहीं गए? जाइएगा घूमिए, ठीक है। तो म्यूजियम वगैरह घूमने जाइएगा तो पता चलेगा क्या वहाँ पे पुरानी चीजों को रखा जाता है, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। कुल मिलाकर इसमें बहुत सारा टॉपिक घुसा दिया गया है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर आता है हमारा पेपर 4, और इसमें आपको पढ़ना है मेजर पेपर 19, ठीक है, आपकी टोटल 20 को मेजर पेपर रहेगा, इसमें 19 है। और इसमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ यूएसए, यानी कि किसका इतिहास, अमेरिका के इतिहास, फिर से 1763 से 1947 तक का हिस्ट्री ऑफ यूएसए। इसमें आपको पढ़ना है द बैकग्राउंड, अमेरिका का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे मेकिंग ऑफ द रिपब्लिक, गणराज्य कैसे बना, उसको आजादी कैसे मिली, उस वो अभी आजाद हुआ 1776 में, ठीक है। सिविल वॉर के बारे में जानना है। फिर आता है हमारा यूएस इंपेरियलिज्म के बारे में जानना है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अंतिम सेमेस्टर, सेमेस्टर 8, ठीक है, और इसमें आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें आपको फील्ड वर्क करना होगा, थोड़ा सा घूरना होगा, ठीक है। इशू इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो वर्तमान विश्व है उसमें कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमारा है यहाँ पे कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म और साइंटिफिक टॉपिक व्यू। तो इसमें आपको पढ़ना है कि नाम नॉन अलाइड मूवमेंट, कोल्ड वॉर, यानी कि देखिए दो देशों के बीच युद्ध होता है, अमेरिका और आपका रूस, और इसमें कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस ऐसा लगता है कि ये इससे रूसा हुआ, ये इससे मतलब मन मुटाव हो जाता है ना, वो वाला, ठीक है, हाँ, लेकिन कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति हमारे बन जाता है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे प्रेस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट एंड अनडेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा विश्व आपको मालूम है तीन प्रकार का है, विकसित, अविकसित और गरीबी, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानना है, वैश्वीकरण के बारे में, कॉपीराइट रूल्स के बारे में जानना है, ठीक है। फिर देखना है आपको यहाँ पे सोशल मूवमेंट इन द नॉर्थ एंड साउथ, जिसमें बहुत सारे मूवमेंट हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला का नाम सुने होगा, ठीक है, अंग्रेजों सॉरी साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के खिलाफ बहुत बड़ा वहां पे हुआ था आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फेमिनिस्ट मतलब सॉरी अंग्रेजों ने, अंग्रेज और ब्लैक्स जो वहां पे काले लोग हैं उसको अधिकार नहीं मिल रहा था, फिर उन लोगों ने अधिकार लिया, ठीक है, और महिलाओं का अधिकार, मानव अधिकार, इन सब के बारे में जानना है। फिर आपका यहाँ पे मॉडर्निटी एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि मॉडर्न जो जमाना है हमारा, कल्चर का कैसे विकास हो रहा है, एक देश से दूसरे देश कल्चर संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अगला है हमारा पेपर 2, सेमेस्टर 8 का पेपर 2। इसमें आपको देखिए यहाँ पे मेजर पेपर खत्म, 20 को मेजर पेपर होगा पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में, ठीक है, और यहाँ से शुरू होगा एडवांस मेजर पेपर। इसमें पहला है एडवांस मेजर पेपर प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का सिद्धांत, ठीक है, इसमें पढ़ना है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, फिर से मीनिंग एंड डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ फादर कौन है, हेरोडोटस, ठीक है, सबको जानते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। फिर आपको पढ़ना है हिस्ट्री एंड इट्स रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन, इतिहास का अन्य विषय के साथ संबंध क्या है, जिसमें आपका है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन सभी के साथ संबंध क्या है इतिहास का, वो जानना है। फिर आपका यहाँ पे पेरियोडिजेशन, यानी कि इतिहास का फिर आपका हिस्टोरिज्म, एथिक्स एंड सिविक्स विथ, मतलब विभिन्न विषयों के साथ इसका घुलना मिलना, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन के साथ संबंध कैसा है, ठीक है, और देन आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड जितने भी है ट्रेडिशंस, ठीक है, जैसे कि ऐतिहासिक परंपराएं जिसमें आपका बुद्धिस्ट आ जाता है बौद्ध धर्म के, ठीक है, जैनिस्ट आ जाते हैं जैन धर्म के, ठीक है, पुराण ट्रेडिशन, इन सब के बारे में आपको जानना है। अगला आता है आपका यहाँ पे एडवांस मेजर पेपर 2, इसमें आपको जानना है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है सोशल लाइफ ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट डे टू गुप्त पीरियड, ठीक, यानी कि गुप्त साम्राज्य तक का जानना है, सामाजिक भारत में कैसा था व्यवस्था, ठीक है, गुप्त साम्राज्य मौर्य काल में, बुद्ध काल में, वैदिक सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में,
हड़प्पा सभ्यता शुरू में पढ़ना होता था, लेकिन यहाँ पे जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें लास्ट में कर दिया है यार। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेडिवल इंडिया एंड इंडियन सोशल रिलीजियस लाइफ के बारे में जानना है, सुल्तान पीरियड के बारे में, सल्तनत काल के बारे में, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। फिर आपका यहाँ पे मेडिवल इंडिया एंड इंडियन सोशल रिलीजियस लाइफ कैसा था, किसमें, तो मुगल इंडिया में, मुगल काल में, ठीक है, इसमें आपको सिख धर्म, दीन इलाही, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है मुगल पीरियड के टाइम में। आगे देखते हैं तो यूनिट 4 है यहाँ पे वही सामाजिक धार्मिक व्यवस्था और आंदोलन, ठीक है, इसमें आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। आगे देखते हैं तो एडवांस मेजर पेपर है हमारा थ्री, और उसके बाद माइनर पेपर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो है यहाँ पे हमारा एडवांस मेजर पेपर थ्री, इसमें आपको जानना है वुमेन इन हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि महिला और इतिहास में, ठीक है, इसमें आपको वुमेन इन हिस्ट्री, महिला इतिहास में, इसमें आपको जानना है अप्रोच, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता क्या क्या मिला है, ठीक है, मार्क्सिस्ट रेडिकल, इन सब के बारे में, इंग्लैंड में कैसा है राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी कि जो महिला आंदोलन हुआ था कहाँ पे, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, रूस और चाइना में, ठीक है। फिर आपको जानना पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशियंट इंडिया, इसमें आपको जानना है लीगल, एजुकेशन, सोशल और पॉलिटिकल के बारे में। देन हमारा यहाँ पे पोजीशन ऑफ वुमेन इन मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति, इसमें लीगल, एजुकेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल है, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे पोजीशन ऑफ वॉर इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इसमें आपको जानना है रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। फिर आपको जानना है सोशल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या क्या रूल थे सामाजिक के ऊपर, ठीक है। फिर आपको जानना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, वुमेन इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि जो संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए गए, उन सब के बारे में जानना है। सिनेमा और संस्कृति, इन सब में कहाँ तक छूट दिया जाता है महिलाओं को, ये जानना है। यहाँ से शुरू होता है माइनर पेपर का सिलेबस, माइनर पेपर सेमेस्टर वन में आपको रखना होगा, ठीक है। देखिए माइनर पेपर सेमेस्टर वन, सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फाइव में रखना होगा, ठीक है, बस। और सेमेस्टर सेवन में आपका 4 को माइनर पेपर होगा, ठीक है, कितना कितना सेमेस्टर, जितना भी विषम सेमेस्टर है, सेमेस्टर 7, 5, 3, 1। तो चलिए ये चारों हम लोग माइनर पेपर का सिलेबस को देख लेते हैं। माइनर पेपर वन, ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा, और इसमें पहला हमारा सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें मतलब जो भी लोग माइनर पेपर के रूप में रखते हैं हिस्ट्री को, उन्हीं को पढ़ना होगा, सबको नहीं। तो इसमें आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, देन आपको पढ़ना है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, फिर आपको पढ़ना है जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में, फिर पढ़ना है इमरजेंसी एंड ग्रोथ ऑफ मौर्य एम्पायर के बारे में, देन पढ़ना है संगम युग के बारे में, संगम काल के बारे में, राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के विकास, हर्षवर्धन के बारे में जानना है, ठीक है। फिर आपको जानना है साउथ इंडिया के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में, बस। माइनर पेपर वन ए खत्म। फिर आता है माइनर पेपर वन बी, सेमेस्टर तीन में पढ़ना होता है, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास 650 से 1707 तक, इसमें आपको पढ़ना है इवोल्यूशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, अरब सिंध के बारे में, ठीक है। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान वगैरह सब आएगा इसी में, ठीक है, स्ट्रगल, पावर कैसा हुआ, ठीक है, फाउंडेशन कैसा हुआ। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे मुगल काल वगैरह पढ़ लेना है पूरा, भक्ति काल, ठीक है, और अकबर के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं तो फिर आता है आपका माइनर पेपर वन सी, जो कि सेमेस्टर फाइव के लिए है, और इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से 1950, ठीक है। तो जो लोग रखे हैं इसमें, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मैसूर युद्ध के बारे में, अवध बंगाल के बारे में, ठीक है, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे बक्सर का युद्ध के बारे में, ठीक है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कृषि व्यवस्था कैसी थी वहां पे, ठीक है, और ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। और अंतिम आता है हमारा सेमेस्टर सेवन में माइनर पेपर वन डी, इसमें आपको पढ़ना है पूरा
1857 से 1947 तक का भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज का गठन कैसे हुआ, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है। द राइज ऑफ नेशनल इंडियन, सॉरी नेशनल इंडियन नेशनल क्या है, इंडियन नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। फिर पढ़ना है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। फिर पढ़ना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई 1885 में, बीएफ चंद्र बनर्जी, कलकत्ता अधिवेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गांधीयन एरा एंड मास मूवमेंट के बारे में जानना है, गांधी की जितने भी आंदोलन चलाए गए उसके बारे में। यार अभी अभी लाइन आया, जब कंप्लीट होने को है वीडियो उस टाइम पे लाइन आने का है, कोई बात नहीं, सब चलता है ना। फिर आता है हमारा यहाँ पे टुवर्ड इंडिपेंडेंस के बारे में जानना है, ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है, इतना देर तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। अगर जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं, बस एक चीज बता दीजिएगा कि रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, बता दूँ, चलिए बता देता हूँ, ठीक है, एक हिंट देता हूँ, उसी साल हुआ था जिस साल रिम्स की स्थापना हुई थी, ठीक है, रिम्स रांची का स्थापना हुआ था उसी साल रांची यूनिवर्सिटी का भी स्थापना हुआ था। चलिए बताइएगा किसको किसको मालूम है रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। जो लोग नीलांबर पीताम्बर से वो लोग बताइएगा नीलांबर पीताम्बर की स्थापना कब हुई थी। जो लोग डीएसपीएमयू से हैं वो लोग बताइएगा कि डीएसपीएमयू की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए रखता हूँ वीडियो को, और क्या बोलूँ, बस क्या बोलूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के वीडियो अपलोडेड हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारा मटेरियल भी अवेलेबल मैंने कर दिया है चैनल पे फ्री में, कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है भाई। और अगर आप में से किसी को वैकेंसीज वगैरह का अपडेट चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल जो कि सागर साहब के नाम से है उसमें जाकर के देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, ठीक है, ऑल द बेस्ट।